तो गाइस देख लीजिए, एक शॉप में मैं आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ड्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, पूरे गर्ल्स के हैं। ये 200-200 रुपए वाले हैं, सब ये नाइट गाउन बोलते हैं। पूरे 200-200 रुपए वाले आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे इस साइड में भी देखोगे स्लीवलेस वाले आपको ये 200-200 रुपए के दिखाई दे रहे हैं पूरे। ठीक है, ये देखो ये 400 वाला है। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं मैं जो हूँ नागपुर के बर्डी मार्केट में यहाँ पर हूँ, और ये जो आपको जो नजारा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बर्डी का जो है मार्केट है, जो मेन मार्केट वहाँ का नजारा आपको दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से, आज का जो है जैसे महाशिवरात्रि है उस वजह से आप देखेंगे एक झांकी यहाँ पर निकली है, उसकी तो मैं आपको झलक यहाँ पर बता दूंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हैं, अभी शॉप अभी तो फिलहाल क्लोज हो रही है, क्योंकि जैसे कि आज मैंने बताया कि झांकी यहाँ पर निकली हुई है, तो उस वजह से रास्ते वाले जो है यहाँ से हट चुके हैं, और कुछ कुछ जो शॉप यहाँ पर जो है उसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, मैं इसकी एक झलक आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग मार्केट को यहाँ पर एक्सप्लोर यहाँ पर करेंगे। गाइज हर फ्राइडे को अपना जो मार्केट का जो वीडियो बनता है गाइज, वो जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहे, पूरा जो है यहाँ से उठ चुका है। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर देखोगे, देख लीजिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं शंकर पार्वती का रूप लेके, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये अभी झांकी यहाँ से जा रही है, बाकी यहाँ से पूरा क्लियर हो चुका है, देख सकते हैं। तो देखते हैं अभी जो जो शॉप वाले दिखेंगे उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, तो आइए चलते हैं। तो गाइस देख लीजिए, मार्केट में आने के बाद एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है मूर्ति यहाँ पर दिखाई दी शंकर भगवान जी की, देख लीजिए बीचों बीच चौक में यहाँ पर लगाया गया है, और यही के जैसे मैंने अभी आपको बताया झांकी यहाँ से निकली हुई है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी तो पूरा मार्केट को एक्सप्लोर करने आया था मैं, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, आपको तो पता ही है जैसे आज का दिन। तो चलिए जो जो है उनके बारे में बता देता हूँ मैं, और शुरू करते हैं। ठीक है, आज आपको रेट वगैरह मैं उतने खास बता नहीं सकूंगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको वॉचेस दिखाई दे रही है, वॉचेस स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे 200-200 रुपए से। ठीक है, देख लीजिए ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, और सॉक्स वगैरह की भी बात करें तो ये भी आपको यहाँ पर 20-20 रुपए के आपको आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भैया लोग रहते हैं, मार्केट जहाँ पे क्लोज है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, देख सकते हैं इधर में। इधर में बच्चों के आपको ड्रेसेस यहाँ पर दिखाई देंगे, देख लीजिए कुछ इस तरह। ये कितने कितने वाले भाई, ये कितने कितने वाले? अच्छा 20-30 रुपए से लेके बच्चों के है 50-100 तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी ये बस पैकअप ही कर रहे थे भैया यहाँ पे, और मार्केट देखो किस तरह से खाली हो गया पूरा, वहां तक आप देखोगे मार्केट चल रहा है, जो अभी ओपन जिन्होंने करके रखा है उनका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बाकी आप नजारा देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो गाइस देख लीजिए, एक शॉप में मैं आया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ड्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, पूरे गर्ल्स के है। ये 200-200 रुपए वाले सब ये
नाइट गाउन बोलते हैं, पूरे 200-200 वाले आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। इस साइड में भी देखोगे स्लीवलेस वाले आपको ये 200-200 रुपए के दिखाई दे रहे हैं पूरे, ठीक है। ये देखो ये 400 वाला है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये 400 वाला आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो जो शॉप चल रही है उसके बारे में बता रहा होगा इसमें, ये 700 वाले आपको इस साइड में दिखाई देंगे, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट अपना रेट लगा दिए, उस वजह से आप देखोगे, देखो ये 150-150 रुपए के पूरे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इस साइड में देखो ये 200 की टी शर्ट दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ पे 150-150 रुपए के है, ठीक है। ये कितने वाले है? पूरे 250 वाले है, ओके 250-250-250, 350। अच्छा ये आपकी शॉप है क्या ये? अच्छा ये वाले कितने के है ये? 350 वाली है, 300 वाली है। अच्छा 300-350 वाली आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का नजारा, ये भी अच्छा, ये देख लीजिए 150-150 रुपए के है, हाफ से लेके फुल से लेके। ये कितने वाले? कितने? 200-200, ओके। ये भी 200 और ये 250 वाले है पूरे, ओके देख लीजिए, ओके। तो गाइज देख लीजिए बर्डी मार्केट का नजारा किस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये जो किला आपको दिखाई दे रहा है गाइज, इसकी जो है ओपनिंग कल होने वाली है ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आइए मैं दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो है दिखाई देगा, ठीक है। देखते हैं, काफी अच्छा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और लुकिंग आपको बता देता हूँ गाइज ऐसे में कल इसकी ओपनिंग होने वाली है बोलते, ठीक है। वो भाई ने अभी मुझे बताया, देखो बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है नजारा। तो अगर कल जमेगा तो इसके बारे में बता दूंगा, वैसे तो सेम ऐसा ही है, इसको जस्ट ओपन करने वाले हैं तो कल ही यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया था आपको 50-50 रुपए के यहाँ पर आपको पर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइप के रहेंगे, 50 के, 100 के, 150 के, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये दिखाई दे रहा है पूरा, देख लीजिए यहाँ पे ये भैया रहते हैं, भैया से कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। बैग वाले है, अंधेरा हो चुका है पूरा, पूरा खत्म होते आ गया है, ठीक है। इटर्निटी मॉल आपको दिखाई देंगे यहाँ से, और सजावट देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो देख लीजिए गाइस इस तरह से नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ का, ठीक है। बैग्स भी आपको मिल जाएंगे, शूज का तो बहुत सारा यहाँ पे आइटम मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए वॉचेस वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। आगे में चलते हैं शूज में, ये कितने कितने वाले रहेंगे भाई पूरे? क्या रेट है चालू? 350 वाले, ठीक है। सेम इधर में जो रहते हैं वाला देख लीजिए, इस साइड का 350 वाले जो है ये भी स्टॉक आपको यहाँ पर दिखाई देगा, भाई का अलग है। इधर भी देख लेते हैं हम लोग, 300-400-350 इस तरह से यहाँ पर लगते हैं। देखो यहाँ पे पूरा गर्ल्स का आपको दिखाई दे रहा है। ये कितने वाले हैं? क्या प्राइस है? 300-300, ओके देख लीजिए। यहाँ से पूरा आपको ये फुटवेयर का दिखाई देगा, ठीक है। यही से मैंने शुरू करता हूँ, आपको तो पता ही है, उधर में अपने भैया लोग रहते हैं। ये पूरा फुटवेयर का देख लो, देखो इसमें भी अलग अलग टाइप के आपको दिख जाएंगे, ये देख सकते हैं। 350 रुपये, ठीक है। ये देखो ये वाली भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं पूरे, ठीक है। ये आए हैं यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। आगे हम लोग चलते हैं, आगे का नज़ारा देख लेते हैं किस तरह से। ये देखो ये दिखाई दे रही है आपको, ये कितने वाले हैं? ये आप ले लो भैया 100-100 रुपए के। ये देखो ये भैया रहते हैं, 100 रुपए का लेके जाना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पूरा 100-100 रुपए का आप लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे में, ठीक है। ये देख लीजिए ये भी भैया है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको छोटे बच्चों का पूरा मिल जाएंगे, ठीक है। देखो दिखाई दे रहा है 150 वाले, 150 वाले, 250 वाले, ओके ओके ठीक है ना। चलो तो गाइज बस आज का जो वीडियो है ये पे मैं खत्म कर रहा हूँ गाइज। देख लीजिए ये जहाँ पर पार्किंग हम लोग लगाते हैं वो लोकल स्क्वायर के जस्ट पास में आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, काफी कुछ मैं बता नहीं पाया क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे झांकी वगैरह निकली थी तो बहुत सारे दुकानें यहाँ पे बंद हो चुकी थी उस वजह से। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसे लगा इसमें कमेंट करके जो बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नागपुर के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनते रहेंगे जो कि मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स।